एनिमेशन कॉमेडी फिल्म द डोंकी किंग दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पाकिस्तानी एनिमेशन फिल्म बन गई है। निर्देशक अजीज जिंदानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पाकिस्तान के राजनीतिक हालातों को दर्शाया गया है। द डोंकी किंग साल 2018 में पाकिस्तान में रिलीज हुई थी, जो काफी बड़ी हिट रही। फिल्म की सफलता देखते हुए निर्देशक ने इसे अन्य भाषाओं में भी रिलीज किया। द डोंकी किंग को करीब 10 भाषाओं में डब किया जा चुका है। दक्षिण कोरिया में रिलीज होने वाली ये पहली पाकिस्तानी फिल्म है। इसके अलावा तुर्की, रूस, स्पेन समेत करीब 7 देशों में ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। वैश्विक स्तर पर भी ये हिट साबित हो रही है। इस फिल्म की वजह से पाकिस्तानी सिनेमा विश्व स्तर तक पहुंच गया है। राजनीतिक व्यंग्य वाली इस फिल्म में एक गधे मंगू के किस्मत से राजा बनने की कहानी दिखाई गई है। मंगू को एक सीधे साधे गधे के किरदार में दिखाया गया है, जो किस्मत से राजा बन जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो वास्तव में एक अच्छा राजा नहीं है। इसके बाद वो खुद को अच्छा बनाने की तमाम कोशिशें करता है। कई लोगों ने निर्देशक पर आरोप लगाया कि इस फिल्म के जरिए उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का मजाक उड़ाया है। इसी के चलते रावलपिंडी और लाहौर कोर्ट में याचिका दायर की गई। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुंचा, जिसके बाद सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार फिल्म को रिलीज कर दिया गया। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।